अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो? दुआ करता हूँ आप सारे अच्छे से रहें, खुश रहें। ये फ़ोन है ओप्पो का दोस्तों, मॉडल नंबर चेक करवाता हूँ मैं आपको। ये आई थिंक F15 है, CPI 2001। हाँ, एंड्रॉयड वर्जन 10 है। देखो, ये हम स्क्रीन लॉक इसका रिमूव करते हैं विदाउट PC, ठीक है? ये हो जाता है एंड्रॉयड 10, 11 का नहीं पता। और इसके साथ साथ एंड्रॉयड 11 की FRP भी बता दूंगा मैं, ओप्पो रियलमी न्यू मेथड कैसे होता है FRP, इसी वीडियो में बता दूंगा, ठीक है? सबसे पहले हमने वॉल्यूम डाउन और आना प्रेस करना है, ठीक है? हार्ड रिसेट तो ये वाला एंड्रॉयड 10 पे हो जाएगा, 11 पे मैंने चेक नहीं किया, ठीक है? ये रिकवरी मोड पर आ गया, छोड़ दो, फिर उसके बाद आप कर सकते हो आराम से, वहाँ से ही कोड बता देगा, ठीक है? तो दूसरी वीडियो कौन सी बता रहा हूँ मैं आपको, इसी वीडियो में FRP हम कैसे कर लेंगे ओप्पो रियलमी में, ठीक है? बिल्कुल इजी तरीका आपको बता दूंगा मैं। वाइप डाटा पे जाते हैं हम, ये वहाँ से ही हमें रिसेट वाला कोड दे देगा, ठीक है? यहाँ पे देखो, फॉर्मेट डाटा 8380 दे दिया इसने, ठीक है? चलो मैं यहाँ पे इसको रिसेट करता हूँ, उसके बाद थोड़ी बहुत स्पीड कर लूँगा, नहीं तो ये काफ़ी टाइम खाएगा रिसेट करने में, ठीक है ना? तो उसके बाद मैं FRP की वीडियो आपको बता दूंगा, वो भी बिल्कुल जो इजी तरीका है एंड्रॉयड 11 की, एंड्रॉयड 10 नहीं, एंड्रॉयड 11, ठीक है? ये तो मैं एंड्रॉयड 10 की बना रहा था, चलो ये हो गया था रीसेट, तो मैं सोचा चलो वीडियो बनाते, पर फिर मैंने क्या किया, अपडेट किया, उसके बाद FRP लगाई, उसके बाद वही वीडियो इसी में ऐड की मैंने, इसी मॉडल की, ठीक है? वैसे तो ओप्पो रियलमी कोई भी एंड्रॉयड 11 हो, आप FRP बिल्कुल ईजी तरीके से कर सकते हो आप, ठीक है? यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा वेट करना, यहाँ पे स्पीड कर रहा हूँ मैं, ठीक है? चलिए जी, हो गया। अब यहाँ पे स्टार हैश 813, 812 वो कुछ भी नहीं काम करता, ठीक है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको मैं चेक करवाता हूँ इसमें FRP लगी भी है नहीं। बिल्कुल इजी तरीका, आपको सेटिंग में जाना है, गूगल प्ले सर्विस को डिसेबल करना है, डिसेबल करके उसके बाद क्लियर डेटा उसका करना है, बस काम खत्म हो गया, ठीक है ना? ये देख लीजिए, FRP लगी है, रिसेट तो हो गया, FRP लगी है, ठीक है? एंड्रॉयड 11 में भी, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, एंड्रॉयड 11 में भी रिसेट हो गया था, ठीक है? अब यहाँ पे इस पर क्लिक करना है, हम रिकॉर्डिंग पे, ठीक है? तीन बार हमने करना होता है, उसके बाद यहाँ पे चलते हैं हम, यहाँ पे हमने ऐप सर्च करना, ठीक है? ऐप लिस्ट आ गया, यहाँ पे आप ऐप लिस्ट पे क्लिक कर लो, गूगल प्ले सर्विस आपको मिलेगा, उसको डिसेबल कर लो आप, ठीक है? यहाँ पे तो डिसेबल है ही नहीं, ठीक है ना? स्टोरेज पे क्लिक करते हैं, सीधा क्लियर डेटा करते हैं, ठीक है ना? डिसेबल आना चाहिए, डिसेबल है ही नहीं, चलो इसको क्लियर डेटा ही करते, सीधा खुल जाएगा, ठीक है? दूसरा वाला करता हूँ मैं, यहाँ पे ओके करते हैं, बस FRP बाईपास हो गया, बस बिल्कुल आसान तरीका है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट, शेयर, अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। ओके दोस्तों, लव यू, अल्लाह हाफिज़।